अजमेर की टॉपधड़ा इलाके में स्मार्ट सिटी के तहत खेल ग्राउंड व अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इसके कारण कई कॉलोनियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर आज स्थानीय पार्षद श्रवण कुमार के साथ ही स्थानीय लोग कलेक्टरेट पहुंचे और अपनी समस्याएं बताई। पार्षद ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत खेल ग्राउंड बनाया जा रहा है, जिसके कारण तो क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़क को बंद किया जा रहा है, लेकिन एक सड़क और बनाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसे अब तक नहीं बनाया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले काम के कारण आसपास की सभी कॉलोनियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में सड़कों का निर्माण संपूर्ण करने की मांग को लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। जी, आज किसको लेकर के आए हम? आज कलेक्टर महोदय के पास एक ज्ञापन लेकर के आए हैं। इस ज्ञापन में हमारा तोपदड़ा जो ग्राउंड है, उस तोपदड़ा ग्राउंड का स्मार्ट सिटी के तहत विकास कार्य हो रहा है। तो उस पहले करीब 70-80 साल से दो ग्राउंड हैं तोपदड़े के, उसके बीच में से रास्ता जाता था, पक्की सड़क थी जिससे दोनों कॉलोनियों को जोड़ने का काम होता था। दूसरे विनय नगर, अम्माबाड़ी और पूरा क्षेत्र उधर का पूरा जुड़ता था। परंतु अब ये स्मार्ट सिटी के तहत जो ग्राउंड का काम हो रहा है, उसमें उस रास्ते को बंद कर दिया गया है, बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो बंद करने के लिए हम मना नहीं करते, परंतु ये तय हुआ था कि इसको रास्ते को बंद करेंगे तो साइड से ज्योति नगर होकर के आपको एलिवेटेड सब्स्टिट्यूट रोड मिलेगा, आपको दूसरा रोड देंगे, परंतु वो रोड चालू नहीं हुआ है अभी और इसको बंद कर दिया गया है। तो पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है, उस पर भुट्टा डाल दिया गया है, मिट्टी डाल दी गई है, यहाँ तक कि साइकिल क्या पैदल भी नहीं निकल सकता आदमी, खड्डे खोद दिए गए हैं। अब इतनी परेशानी हो रही है कि आदमी शहर में आए तो आए कैसे, अम्माबाड़ी विनय नगर पूरा कट चुका है। इसके साथ ही एक रास्ता और था, वो भी खुदा हुआ पड़ा है, वो भी टूट गया है। तो हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं, साहब इस रास्ते को बंद करने से पहले हमारे को जो दूसरा रास्ता देने का तय हुआ था वह रास्ता दिया जाए और उसके बाद इसको बंद किया जाए, जिससे कि आमजन को कोई परेशानी नहीं हो। मेरा नाम पार्षद श्रवण कुमार।